हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। आज मैं स्टैंडर्ड सेवेंथ को दो लघु कथाएं, उसमें से पार्ट वन अ हरा घोड़ा, ये सिखाने वाली हूँ। वैसे तो बादशाह अकबर की कहानियाँ सबने सुनी ही होगी, बहुत दिलचस्प रहती है। और बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे, ये सबको पता ही है। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे। वे अत्यंत बुद्धिमानी थे। वे हर समय का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। यह उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित दो लघु कथाएं हमें देखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। क्या हुआ था यहाँ पे? अकबर और बीरबल, इन दोनों की कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अकबर बीरबल जो था वो बहुत बुद्धिमानी था, और उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए अकबर को ऐसा लगा कि चलो आज हम बीरबल की थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं। तो एक दिन अकबर और बीरबल घोड़े की सैर करते करते हरे भरे बगीचा में गए। वहाँ पे हर जगह पे क्या थी, ग्रीनरी थी। और बादशाह अकबर का जो मन था वो बहुत प्रसन्न हो गया। और ऐसे ही घोड़े की सवारी करते करते अचानक उनके मन में आया, काश मेरे पास भी हरे रंग का घोड़ा होता। तो बादशाह अकबर ने क्या किया, बीरबल को बोला कि मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ। मुझे एक सप्ताह में क्या चाहिए, हरे रंग का घोड़ा चाहिए। एक सप्ताह यानी 7 दिन का वक्त अकबर ने बीरबल को दिया था। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। क्या किया था? सिर आंखों पर रखना यानी स्वीकार करना, आश्चर्य का ठिकाना न होना, यानी उसको क्या लगा, थोड़ा शौक लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, बीरबल ने बादशाह अकबर की आज्ञा मान ली। एक सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर आखिर आपके लिए मैंने क्या है, घोड़ा खोज लिया। 8-7 दिन जो बीरबल थे वो इधर उधर घूमते घूमते उन्होंने आखिर वो घोड़ा जो था वो खोज लिया था। और 8वें दिन वो बराबर दरबार में आए और बादशाह अकबर को बोला सॉरी, मैंने घोड़ा खोज लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी क्या हो गया, वो एकदम से चौंक गए कि सच में हरे रंग का घोड़ा मिल गया बीरबल को। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसा खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। वो बहुत आश्चर्य हो गए, वो उनको बहुत शौक लगा, किसको, बादशाह अकबर को। और वो बहुत उत्सुकता से बोलने लगे कि मुझे हरे रंग का घोड़ा देखना है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्त है, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्त, बादशाह ने पूछा। क्या हो गया था, बीरबल बोला कि घोड़ा तो मिल गया है, लेकिन घोड़े का जो मालिक है यानी घोड़े को जो संभालता है, वो मालिक ने क्या बोला है कि मेरी 2 शर्त है, और वो शर्त मानने के लिए आपको अभी घोड़ा नहीं देखना है, इसके लिए थोड़ा समय
जाने दो। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी क्या बोले कि जो घोड़ा है वो घोड़ा देखने के लिए खुद बादशाह अकबर जो घोड़े के मालिक है वहाँ बादशाह अकबर को जाना है और घोड़े का रंग सबसे अलग है इसलिए दिन भी एक अलग सा होना चाहिए। ये दो शर्त घोड़े के मालिक ने बादशाह अकबर के सामने रखी थी, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। क्या बोला है? सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। सप्ताह के 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन आता है? क्या वीक में कौन सा रहता है? ओनली 7 डेज ही रहते हैं ना वीक में, उससे अलग आता है क्या 8वां दिन? नहीं आता है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर ने जब दूसरी शर्त सुनी कि सप्ताह के 7 दिन के अलावा आपको आना है, सप्ताह के 7 दिन के अलावा कौन सा दिन नहीं रहता है बच्चों, और यही बात में बादशाह अकबर क्या हो गए? चकित हो गए। बीरबल की बुद्धिमत्ता की यहाँ पे क्या हो गई? परीक्षा जो देखी थी बादशाह अकबर ने, वहाँ पे बीरबल पास हो गया था। उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, यानी चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोले, जो उत्तर न दे सकते हैं, बिल्कुल चुप हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर से मात दी। क्या हो गया था? बीरबल फिर से अपनी जो चतुराई थी वो बीरबल के अकबर के सामने उन्होंने फिर से रखी थी। आ गया समझ में आपको लेसन? इसके क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको अभी सेंड करती हूँ।